यार इतनी सही मूवी ने एंजॉय नहीं कर पा रहा मैं मम्मी के साथ। ऐसे मूवी में जैसे ध्यान लगाते ना आवाज आती है सोते थे। एक दिन मुझे घर नितिन यार एक बेड पे सोने से फीस आती जाती है, मैंने क्यों कहता तेरे पे सो जाऊंगा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब बढ़िया हो गए भाई साहब। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही गाड़ी से, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। आज रिलीज हुई है मुंजिया नाम मस्त है, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, कुछ सही मतलब होता है फिर से गाड़ी पड़ेगी भाई। अच्छा कुछ नहीं बोल रहे, अभी मूवी देखने चलते हैं, मूवी कैसी है वो दिखाते हैं। बाकी व्लॉग में बने रहो एंड तक, फुल बकचोदी होने वाली है भाई साहब, है ना। रिव्यू के लिए आया तो भी बने रहो और व्लॉग के लिए आया तो भी बने रहो एंड तक, ठीक है। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, पहुंच गए ऑलमोस्ट यहाँ आया हूँ पाम आइलैंड। पाम आइलैंड मुझे जम्मू में सही लगता है यार, यहाँ पर ज्यादा शोर शराब नहीं होता, शांति शांति सी रहती है। तो बढ़िया, अपना जाओ मूवी देखो एंजॉय करो और वापस आ जाओ। यार देखो तुम्हारा भाई ना टाइम से पहुंच जाता है हर बार, ठीक है, पर मेरे दोस्त इतने कि क्या ही बताऊं, साले मेरे से आधा घंटा पहले निकले थे फिर भी अभी तक नहीं पहुंचे। पर चलो कोई नहीं, अब वेट तो करना पड़ेगा। अंदर नहीं जा रहा अभी, अंदर नहीं जा रहा क्योंकि भाई ऐसे हरामी है, अंदर चला जाऊंगा फिर बोले भाई बाहर लेने आ, तो इसलिए जब तक वो यहाँ बाहर नहीं पहुंचे तब तक अंदर नहीं जाऊंगा। अपने दोनों बच्चे दो हेलमेट लेके आया इवन मूवी से एक घंटा पहले आ गया, अब सोच रहे टाइम पास कैसे करें। तो अब हम यही उम्मीद थी, अब हम एक घंटा एक दूसरे को जलील करेंगे। ये साले मशूकों वाले बंदे साथ आ जाते हैं ना, दिमाग खराब करते हैं बस। सही बात है। एक गर्लफ्रेंड भी लगाई सड़ों के ना जान ने थोड़ा, सॉरी छड़ा नहीं है तो रेंड बैठ, ठीक है ना। पहली भाई फिर तो तू भी है, हमारी तरह लॉयल बंदे उनको कट जाता है। ऋतिक जैसे प्ले हुआ है उसने, सक्सेसफुल है जनरेशन में भाई साहब, इनके पास ही आती है वो टूट के, हमारे पास तो आता नहीं कोई, तभी तुम्हारे साथ जा रहा हूं ना मैं। लेट भाई ऐसा कह रहा तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, ऐसे कह रहा मैं जलील हो रहा है। बिल्कुल बड़ा गलत हो रहा हमारे साथ। जस्टिस फॉर अभिषेक भाई, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं ऑफिस पहुँच गए, अब चुपचाप थिएटर में चल पड़ते हैं। क्या ना यहीं बिठा लो अब हमें, टिकट आई हुई एक घंटा क्या करेंगे। गाइस स्कैम हो गया, हमें लगा टिकटें महंगी हो गई हैं, इन्होंने कूपन दे दिए खाने होने के, और एक खाने किसी काम का भी नहीं है। सैंडविच कौन खाता है सुबह सुबह, जब तू मेरे साथ होता तब होता ही नहीं। मुझे मनोज कह रहा है, हां डीप डाउन हमें पता कौन है मनोज। मुझे क्यों तोड़ा, आ जाओ यार, अब क्या 5 मिनट कोशिश तो है फनी होने की, जैसे मुर्दा लाशे कब्रिस्तान में बैठी हुई कब्रें। हाल तुम्हारे तो राक्षस बनेगा यार, इतनी सही मूवी ने एंजॉय नहीं कर पा रहा मैं मूवी के साथ। स्टोरी अच्छी है मूवी की, एक्टर इतने मस्त मस्त है, उनका पहला शॉट तो हो गया, मुंजिया तो सारा ठरकी है। उनका पहला शॉट तो हो गया। इंटरवल में बाहर आ गया भाई, यार मूवी मस्त है गाइस, मूवी देखने पर आओ और किसी अच्छी जगह जहाँ फैमिली आती हो बैठ यार। अभी जस्ट इंटरवल हुआ, बाहर आए हैं, मूवी इतनी इंटरेस्टिंग आना, इतनी मस्त मूवी है, स्टोरी भी मस्त है, पर हम मूवी देख नहीं पा रहे यार, दिमाग जो बंदे बैठे हैं वो भी बड़े मस्त है। मैं और तीन मम्मी कहता हूँ हमारे साइड में बैठे कपल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बस समझ लो चढ़े ही हुए हैं भाई वो। भाई मूवी सिर्फ हम देखने आए हैं, यहाँ भी देख नहीं पा रहे, फुल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाहर आ गए तो साले सोले हमारे वो कर दिया उन्होंने। माँ कसम भाई, ऐसा क्या है जो तुम गेस्ट इमेजिन कर सकते हो ना, सब हो रहा है भाई। हम ऐसे मूवी में जैसे ध्यान लगाते हैं ना आवाज आती है। अगर तू 500-600 रुपये खर्चे यहाँ मूवी थिएटर में करने आ रहा है तो भाई 500 रुपये के होटल में ले लेना, है ना। ये साले क्या इतना ठरक गया हो गया यार, इधर उनकी वजह से मेरा 1200 वेस्ट हुआ मूवी देखने, मूवी देख नहीं पाया मैं। गंदी गंदी चीज़ें दिखा रहेगा इस मुझे, वो भी बिना VPN के लाइव। थोड़ी सी आवाज़ कम होती है उसकी मूवी की तो और कहीं से आवाज़ आए। पेट दिखा, पेट ये छोड़, पेट तो पता नहीं साले ट्विन्स आएंगे इसके साथ ही। हाँ यार खत्म हो गया सब कुछ। चलो जी अब वंश अभिषेक मैं बढ़ाऊंगा आगे। दोस्तों मूवी खत्म हो गई है, ठीक ठाक थी मूवी, मतलब 10 में से 8 नंबर। कितने नंबर देगा मैं? 6। तू? हाँ 7।
इतनी थी, मतलब इतनी तगड़ी भी नहीं थी, इतनी बेकार भी नहीं थी, अच्छी थी, एंटरटेनमेंट अच्छा था, बीजीएम बड़ी मस्त थी। देख रहा माइनस वन करना, माइनस टू, सॉरी माइनस टू करना यार। मूवी देखने जा रहे हैं आज, हमने एक टिकट में दो मूवीज देखी हैं। तूने नहीं देखी, मैंने और ऋतिक ने देखी है। बेस्ट रोमांस देखा भाई मैंने अपनी जिंदगी में, लाइव रोमांस देखा सामने, मजे आ गया। आधे इंटरवल तक तो मूवी समझ नहीं आती मुझे क्या हो रहा है, कहीं एक्सप्लेन करने के लिए। पर ठीक अच्छी मूवी थी यार, देख सकते हो आप एक बार। अभी कहाँ गया हम, सालों से पूछो कहाँ जाना है भाई, पता नहीं कहीं भी चल पड़े। जिंदगी में ये नहीं पता हमें खाना क्या है, इन्होंने खाने का नहीं पता इनको सालों, और तो क्या ही पता होगा। फिर बताओ, फिर कह रहे जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, कैसे होगा बताओ। बात तो सही, खाने का ही नहीं पता, कह रहे कुछ भी खा लेंगे, मेरा खा लो भाई। अभिषेक ने यार मूवी मिस कर दी, बस यही बताऊँ तो अभिषेक तो मुंजे ही देखते रह गया। हमने देखा असली मुंजे, हमने देखा मैंने किससे फोन आ रहा, अभिषेक ये सारा कोचिंग के टाइम होता, बाहर बाहर नहीं आता, 5 बजे के बाद कहता शाम हो गया, मैं नहीं सकता। हमारे घर की औरतें भी 8 बजे घर आती हैं, ये सारा 5 बजे घर जाता था। हाजिरी देनी पड़ती है, पापा इसको 7 बजे आता है, अपनों के कहा सोते थे। एक दिन मुझे कह रहा नितिन यार एक बेड पे सोने से फीस आधी हो जाती है, मैंने क्यों कहता तेरे पे सो जाऊंगा, मैंने कहा ऐसा रामी था ये साले बर्थडे पे कंट्री करते थे ना, वो केक लेने होते दोस्तों के लिए, तो ये साले अपने बर्थडे पे हमसे पैसे मांगते थे। मैंने खैर आप कंट्री दे, मैंने कहा भाई मेरा ही बर्थडे है, तो क्या हुआ तुम्हें नहीं खाना। सही बात है, ऐसे हरामी होता था ये और नीतीश दोनों साले। दोस्तों ऋतिक अभिषेक दोनों को छोड़ दिया मैंने वापस वहीं पे, वो बाइक लेके आए थे, बाइक लेके चले गए, मैं वापस खा पी के उनको छोड़ आया था पापा ने। अभी मैं भी घर जा रहा हूँ। मूवी अपनी ठीक ठाक थी, 8 out of 10, मतलब स्टोरी उस नई कुछ नहीं था यार, वही पुराना इंडियन जैसे होती है, थोड़ी डरावनी हल्की फुल्की मूवी वैसी थी, फनी भी नहीं थी इतनी खास, ठीक ही थी यार, मतलब नॉर्मल ही थी, देखने लायक थी, पैसे वेस्ट भी नहीं हुए और पैसे वसूल भी नहीं हुए, वो वाला सीन है। बाकी अभी घर चल रहे हैं, दूसरी मूवी देखा है आज तो।